हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो T3X फ़ोन है तो वीवो T3X फ़ोन के सेटिंग्स पर जाकर आप कैसे T3X वीवो फ़ोन में स्क्रीन शॉट आप कैसे ले सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में स्क्रीन शॉट आप ले पाएंगे वीवो T3X फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन में कैसे आप अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देखते हैं कि जो भी फ़ोन के ऑल आइकन्स हैं आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से आपके फ़ोन में शो होते हैं जिसके ज़रिए आप अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और कर पाएंगे। तो आप जैसे यहाँ पर सर्च करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर जैसे हमने सर्च कर दिया पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, या सिंपली हम इसमें रिकॉर्डर सर्च कर लेते हैं रिकॉर्डर, तो यहाँ पर रिकॉर्डर ऑप्शन आ जाएगा। रिकॉर्डर के जरिए भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आप कर पाएंगे। नहीं तो आपको यहाँ से जाना है और आपको स्लाइड करना है और आपको उस पर जाना है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड स्क्रीन ऑप्शन आ रहा है तो इसको ऑन कर देंगे। तो इस ऑप्शन के जरिए आप स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में, और इससे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आप चाहें तो देख सकते हैं इसे डायरेक्टली, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग्स पर जा सकते हैं, जो भी रिकॉर्डिंग सेटिंग्स आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। डिस्प्ले टच से रिकॉर्ड साउंड इमेज क्वालिटी को बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, और चाहे तो रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस को डू नॉट डिस्टर्ब पे भी कर सकते हैं, इसका आप यूज़ कर पाएंगे, और स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। नहीं तो आप इस पे जाते हैं और इस पे सर्च करते हैं, तो जैसे देख सकते हैं कि रिकॉर्ड स्क्रीन ऑप्शन आ जाएगा। इस पर जाकर यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं और कर पाएंगे, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं इसके जरिए, इसको ऑन करके रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो इस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में और यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।